मीडिया में लेकिन सुर्खियों में आया वो भाषण, वो जजमेंट सुर्खियों में नहीं आया। आप जब न्यायालय की कुर्सी पर बैठ जाते हो, आप मेरिट के आधार पर केस के बारे में निर्णय करो। आपको लगता है कि FIR नहीं क्लब की जा सकती, ठीक है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, आपने किया ही है और कहा प्रॉपर कोर्ट में जाएगी, तो वो चले जाएंगे प्रॉपर कोर्ट में। लेकिन उसके बाद ये जो साथ भाषण दिया है वो सब्जेक्टिव है, न्यायाधीश को इस प्रकार के सब्जेक्टिव भाषणों से बचना चाहिए। वो खुलेआम चुनौती देते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ, ये तो NIA ने सबूत भी पेश कर दिया है। बहुत से लोग इसको नूपुर शर्मा के उस बयान से जोड़कर देखते हैं कि साहब नूपुर शर्मा का ऐसा स्टेटमेंट आया और उसके कारण एक संप्रदाय के लोग उत्तेजित हो गए, उन्होंने ऐसा किया। मुझे लगता है इसको इस सारे विवाद का नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इस सरकार का कमिटमेंट को लेकर आप क्या बताएंगे? अब भारत सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी है, ये जो ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई है, इससे मैं समझता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर रास्ता निकलेगा और मुझे लगता है भारत सरकार उसके लिए कमिटेड है। प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री का सह विशेष साक्षात्कार सोमवार रात 9:00।